हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक टेली क्लॉक। स्टार प्लस का मकबूल शो ये रिश्ता क्या कहलाता है अपने नाजरीन को मैसूर कर रहा है। हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ बनाने वाले तनाव को बुलंद रखने के लिए तमाम स्टॉप निकाल रहे हैं। मौजूदा ट्रैक एक हादसे में रूही के मुलव्वस होने और अरमान के लिए इसकी दरख्वास्त पर मरकूज है। कानूनी मदद अबीरा इस वाक्य पर सवाल उठाती है, इस बात पर जोर देते हुए ये रूही को जरूरत हो सकती है। अरमान काकी को इसकी जरूरत है। अरमान अदालत में रूही की नुमाइंदगी करते हैं और अबीरा मुखालिफ वकील हैं। मुकदमे की समाहत के दौरान रूही के लिए अरमान की तारीफ अबीरा को रिश्क देती है, जो रूही को खुश करती है। ड्रामा बढ़ता जा रहा है। जब अदालत के बाद मनीष और सवारना की जानिब से रुकने की वार्निंग के बावजूद रूही के अरमान से राबता करती है, इससे दूर रूही अरमान के लिए दोपहर का खाना लेकर आती है और अबीरा ने पास से गुजरते हुए रूही को देखा। अरमान को खाना खिलाते हसद में मुबतला अबीरा ने विद्या को अपनी मोहब्बत के लिए लड़ने की नसीहत याद कराई। एक जुर्रतमंदाना हरकत में अबीरा रूही और अरमान के पास पहुंचती है। अरमान का हाथ पकड़ती है और इसे ले जाती है। दूर रूही का दिल टूट जाता है और सवारना रोते हुए इसे तसल्ली देती है। सेट के करीबी जराये ने इंकशाफ किया है कि अबीरा केस जीत जाएंगी, ये फतह बदल देगी, रूही और अबीरा के दरमियान कशीदगी को जन्म देगी। ददीसिया शायकीन अबमान के दोबारा मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और आने वाले एपिसोड एक दावत का वादा करते हैं। अरमान और अबीरा के दरमियान केमिस्ट्री, जिसका करदार रोहित पुरोहित और समृद्धि शक्ला ने अदा किया है। एक अहम बात करने का नुक्ता रह गया है। वाकयात की एक दिली मोड़ में अबीरा आखिरकार अपनी मोहब्बत का इतराफ करती है। इस वीडियो से मुतालिक अपनी राय का इजहार कॉमेंट बॉक्स में जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें।